जब ओजोन लगा हुआ है आप रजिस्ट्री कर नहीं सकते, जब रजिस्ट्री हो नहीं सकती तो आप किस बात पे पैसा मांग रहे हैं? तो ये छल की राजनीति, मैंने कहा छल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विधानसभा में करी है। तब कहा था कि हमने ओजोन हटा दिया, क्यों नहीं हटा? आज इसके लोग क्या कर रहे हैं क्षेत्र में? अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो चुनाव लड़ने नहीं आएगा यहाँ। ये ओजोन इसी में लगवाया है, कमाई का जरिया, इसका कोई धंधा ही नहीं है। इन्होंने सब पैसा खा लिया, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे वकील कर और इनसे पैसा लोगों का जो लिया है वो दिलवाने का काम करेंगे। इन्होंने धोखा दिया लोगों को। जब तो कहा था यहाँ बस चलेंगी, यहाँ तक आएंगी, कोई नहीं आ रही। इसका बिजनेस चल रहा है, ये लूट रहे हैं लोगों को। इसका काम है पैसा कमाना, लूट लो। अगर इसको पता लग जाए, राम सिंह आया था हरिजन बस्ती की नाली में 200 रुपए गेर दिए हैं, ये रात को सारी नाली सफा कर देगा। ये मैंने पहले हटाया था, ये जब मैं विधायक था तब भी यहाँ कब्जा हुआ था, मैंने उठाकर सब कुछ तोड़ ताड़ के फेंक दिया था। असली क्या है, जो पहले MLA वो पैसा खा गया और अब ये भी खा गया और एक और है इसमें जो खाने वाला है। इन्होंने जान बूझ कर लोगों के ऊपर धोखा देकर वोट ले ली और आज वो सब उनका कब्जा करा दिया। अब वो पार्क आप देखो जो मीठेपुर में, कितनी बार उद्घाटन होगा, लड्डू बट गए, कोई फूल लगाओ उसमें, गेंदा का ही लगा दो, गुलाब का तो छोड़ो पर है। तो हम इसको लूटने नहीं देंगे, जो इसके दलाल घूम रहे हैं उनको रोकने का काम करेंगे सरकार। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आ रही है, BJP को देख लिया, BJP ने सबको भूखा मार दिया, जनता सब तराहम तराहम कर रही है और आज क्षेत्र के अंदर BJP का कुछ नहीं है। हमारे सरकार आती है तो सबसे पहले जो गरीब लूटे जा रहे हैं, जिनका लैंडर भी तोड़ा जा रहा, पैसे लिए जा रहे, उनको बचाने का काम करेंगे। जब चुनाव आते हैं तब भी ये कहीं ना कहीं फोटो खिंचवा के और लोगों को मैसेज देने की कोशिश करता है कि मैं ओजोन को 2 महीने बैठवा रहा हूँ। हम इसे पूछना चाहते हैं, 2 साल पहले इसने अपने लवकुश चौक के सामने रोड के ऊपर कहा था, जब मनोज तिवारी जी आए थे, कि भाई ओजोन गोजोन हो गया, वह लड्डू बटे बाकायदा ढोल बजे, फिर ओजोन क्यों है? मेरा साफ कहना, जब हमने इसको एफजोन में करा दिया तो तुमने कोर्ट में जाके इसको रोकने का काम किया है। आप अपने जो आदमी है उससे कहो वो केस को वापस ले, केस को खत्म करें, और सरकार तुम्हारी है, MP तुम्हारा है, मिनिस्टर तुम्हारे हैं, प्रधानमंत्री आप लोगों का है, आप खत्म कराइए। कब तक धोखा दोगे क्षेत्र की जनता को? तुमने 2 साल पहले भी कहा था, अभी जैतपुर में हरदीप पुरी आया था तब कहा था कि हमने ओजोन हटा दिया, क्यों नहीं हटा? आज इसके लोग क्या कर रहे हैं क्षेत्र में? अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो चुनाव लड़ने नहीं आएगा यहाँ। जब ओजोन लगा हुआ है इस क्षेत्र के अंदर तो रजिस्ट्री के नाम पर पैसा क्यों लिया जा रहा है? जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये जनसभा रखी गई है और अब की बार 2022 का चुनाव नजदीक है, ये लोग आपके पास फिर दोबारा से आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब की बार गुमराह मत होना, अब की बार जब ये लोग आए तो इनको अपनी छत दिखा देना और इनसे कह देना जब मैं इस छत को डालने का काम करती हूँ तो आपके ये गुंडे और आपके भ्रष्टाचारी लोग हमसे पैसा लेने के लिए आ जाते हैं, जब मैं अपने सबमर्सिबल लगाने की बात करती हूँ तो पैसा लेने के लिए आ जाते हैं। अब की बार ये जनता जनार्दन इनको जवाब दे देगी और इनसे जवाब मांग लेगी कि आपने क्षेत्र में कराया क्या है, आपने क्षेत्र की नाली तक साफ नहीं कराई, आपने क्षेत्र में झाड़ू तक नहीं लगवाई, आपने क्षेत्र को कोई पार्क की सौगात ना देकर आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र को कूड़ा घर बना दिया है। अब की बार ये जनता समझ चुकी है, अब ये गुमराह नहीं होगी। 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद जीतेगा, अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे, राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पांचों पार्षद जीतकर आएंगे और इस क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। जिस तरीके से बदलाव क्या, जब इस क्षेत्र की समस्या सबसे छोटा काम होता है पार्षद का कराना कि गली को नाली को सफाई रखे, जब इनके ये पूरा जब हम डोर टू डोर करने के देखते हैं तो ये पूरी नालियां भरी रहती हैं। जब हम इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी जाते हैं अब पार्क के नाम पर इन्होंने कूड़ा घर बना दिया है। अगर डिस्पेंसरी की बात करें इन्होंने एक भी डिस्पेंसरी नहीं दी MCD के अंदर। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो अच्छे स्कूल बना दिए, अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं अच्छे अस्पताल बना दिए, अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं तो 200 यूनिट तक बिजली का बिल जीरो कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल जी इतने अच्छे काम कर सकते हैं, जब MCD के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद आ जाएगा तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम करे MCD के अंदर भी उसी तरीके से काम होगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।